Yes, friends, nationalism in India. This chapter is all about national freedom struggle of our country. And this time period began with the coming of Mahatma Gandhi in India, 1915. Okay, Mahatma Gandhi ji, 1915, he came from South Africa. And in India, he started many satyagraha movements and different kind of andolans in our country. So this chapter is all about the different movements started by Mahatma Gandhi. ठीक है? लेकिन उससे पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं कॉलोनियल एंड एंटी कॉलोनियल फीलिंग. कॉलोनियल का मतलब क्या होता है? When the rule in which one country is governed by foreign or any other country. Anti-colonial का मतलब क्या होता है? When one country wanted freedom from that country. This feeling is called anti-colonial. और ये feeling जो है उन लोगों के मन में आती है जो लोग गुलाम होते हैं, those who are controlled by any foreign power. So this feeling came in the mind of Indian people. एंटी कॉलोनियल की फीलिंग हमारे माइंड में जब आई, देन वी ऑल हम इंडियंस जो थे, वी गॉट यूनाइटेड एंड फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल. ठीक है? तो दैट मूवमेंट इज कॉल्ड नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट. बहुत से नेशनल लीडर्स हैं हमारी कंट्री के, दे कॉन्ट्रीब्यूटेड इन दिस स्ट्रगल एंड इन 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस. हाउ द जर्नी फ्रॉम 1915 to 1947, this chapter covers that journey. ठीक है? और इससे पहले इंडिया जैसी एक और भी कंट्रीज, वियतनाम. ठीक है? The chapter begins with the also a short example of Vietnam. That Vietnam was a country that was also controlled by foreign powers like India. Even not only India, many countries in the world, these were controlled by European countries. One by one, these countries got independence from the foreign rule. And the feeling, this feeling is called anti-colonial feeling, when the people fought together and they sacrificed their life and they tried to get independence. Clear? और इसके लिए first event जो हमने सबसे पहले इस chapter में करनी है, that is First World War. First World War, 1914 to 1918. ये वो टाइम पीरियड था व्हेन ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिशर्स, दे वर फोर्सिंग आर कंट्रीमैन टू ज्वाइन आर्मी. पीजेंट्स वर आल्सो फोर्सफुली रिक्रूटेड. पीजेंट्स एंड फार्मर्स को फोर्सफुली रिक्रूट किया जा रहा था. एंड एट दैट टाइम डिफरेंट ग्रुप्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कौन कौन से थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, और दूसरी तरफ कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड टर्की. तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन एक मेजर पार्टी था. इंडिया वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटेन. सो इंडियंस सोल्जर्स जो हैं उनको ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो है वो पुश किया गया. यानी कि इंडिया जो है डायरेक्टली नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ा, इंडियन सोल्जर्स को ब्रिटेन की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन की तरफ से जो है वो लड़ने के लिए अलग अलग कंट्रीज में भेजा गया. बहुत से इंडियन सोल्जर्स उस टाइम पीरियड में ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो दैट कंडीशन, दैट वॉर टाइम कंडीशन इन आर कंट्री वॉज ऑल्सो वर्स्ट, बिकॉज हमारी कंट्री में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस जो हैं वो बहुत वर्स्ट हो. तो हमने ये पढ़ना है कि हाउ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आल्सो हेल्प द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म. यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरह से लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग को इंक्रीज किया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किस तरह की नई इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो क्रिएट की गई थी बाय द ब्रिटिशर्स. ठीक है? तो सबसे पहले हमने इसमें बताना है इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. यानी कि ब्रिटिशर्स जो थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सबसे ज्यादा उनका जो खर्चा हो रहा था वो किस पे हो रहा था? डिफेंस पे. ठीक है? इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर. और इस डिफेंस एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्चा था, अल्टीमेटली उनको मनी जो चाहिए थी, दे वांटेड मनी.
और ये मनी जो है उनको कहाँ से मिली, फ्रॉम द पॉकेट्स ऑफ इंडियन एज अ टैक्स। सो अपने डिफेंस एक्सपेंडिचर को प्रॉपर जो है उसको पूरा करने के लिए ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे स्टार्टेड कलेक्टिंग टैक्स एंड दे आल्सो इंट्रोड्यूस न्यू टैक्स इन द कंट्री। उन्होंने कंट्री में क्या किया, नए टैक्स लगा दिए और कुछ टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया, ठीक है, कस्टम ड्यूटीज लगा दी गई और इनकम टैक्स जो है, लोग इनकम टैक्स देते थे, रेवेन्यू देते थे, उसको इंक्रीज कर दिया, ठीक है। और इस तरह से लोग जो थे इंडियंस दे सफर्ड अ लॉट, क्योंकि ऑलरेडी वॉर कंडीशन के टाइम पीरियड में ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो इन्वेस्ट नहीं किया था, देवर नेग्लेक्टिंग, क्योंकि वॉर टाइम का कंडीशन क्या होती है, गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जो था वो वॉरफेयर एक्सपेंडिचर के ऊपर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेग्लेक्ट हो रहा था। अगर लोग इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो लोग एग्रीकल्चर हैं, उनको अगर इनकम नहीं होगी तो टैक्स कहाँ से पे करेंगे। तो दैट वॉज अ मेजर प्रॉब्लम एट दैट टाइम फेस्ड बाई मैनी इंडियंस बिकॉज दे वर नॉट एबल टू पे टैक्सेस। अब गवर्नमेंट उनकी अपनी नहीं थी, बट गवर्नमेंट वॉन्टेड इनकम, गवर्नमेंट को इनकम चाहिए थी। सो दैट्स वाई मैनी इंडियंस वर टॉर्चर्ड व्हेन दे फेल्ड टू पे द टैक्स टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। मैनी न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस वर इम्पोज ऑन इंडियंस, लोगों के ऊपर बहुत से रूल्स एंड रेगुलेशन जो है लगा दिए गए, और दोज हु फेल्ड टू पे टैक्सेस और रेवेन्यू दे वर टॉर्चर्ड, दे वर एक्सप्लॉइटेड, पुट इन टू प्रिजन एंड इवन बीटन अप बाय द पुलिस आल्सो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन क्या आई, शॉर्टेज ऑफ फूड। शॉर्टेज ऑफ फूड क्यों, मैंने आपको अभी बताया एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो नेग्लेक्ट हो रहा था, और इसीलिए कंट्री में प्रॉब्लम क्या आई, शॉर्टेज ऑफ फूड, ठीक है। और जिसके कारण अब शॉर्टेज होगी तो ऑटोमेटिकली प्राइजेस बढ़ेंगे, जिस चीज की शॉर्टेज होती है तो प्राइजेस उसके ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो राइज इन प्राइजेस वर देयर एंड पीपल दे वर नॉट एबल टू बाय फूड क्रॉप्स और फूड आइटम्स बिकॉज दीज वर ऑलरेडी इन शॉर्ट इन द मार्केट। और बढ़े हुए प्राइजेस, इंक्रीज प्राइजेस के कारण जो थे सबसे ज्यादा बर्डन जो था वो किसके ऊपर था, पुअर पीपल। एंड इकोनॉमिक कंडीशन, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन थी, दैट वॉज नॉट प्रॉपर एट दैट टाइम, ठीक है। देन अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर इंडियन पीजेंट्स दैट दे वर रिक्रूटेड इन द आर्मी, ठीक है। उनको बॉर्डर एरियाज में भेजा जा रहा था, फॉरन कंट्रीज भेजा जा रहा था, ओवरसीज एरियाज में भेजा जा रहा था, ताकि वो ब्रिटिश आर्मी को रिप्रेजेंट करें। बट मैनी पीपल दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू लीव देयर विलेजेस, लीव देयर फैमिलीज। एट दैट टाइम दे सफर्ड अ लॉट, सो दिस आल्सो हेल्प टू ब्रिंग द फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म इन देयर माइंड, ठीक है। देन पीपल आल्सो फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स ड्यू टू एपिडेमिक एंड डिजीज, ठीक है। और इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट वॉज फेल्ड टू गिव देम मेडिकल फैसिलिटीज, सो मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टार्वेशन, मैनी पीपल दे डाइड ऑफ कॉम्युनिकेबल डिजीजेस। सो दिस इज द मेन प्रॉब्लम और मेन रीजन व्हाई द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म, फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन द माइंड ऑफ इंडियन पीपल, बिकॉज फॉरन गवर्नमेंट और कॉलोनियल गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग फैसिलिटीज और दे वर नॉट अडॉप्टिंग वेलफेयर पॉलिसीज। इट इज क्लियर, एनी क्वेश्चन? हाँ जी, एनी क्वेश्चन बेटा रिगार्डिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? होल टॉपिक इज क्लियर टू यू, व्हाई दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन द कंट्री एंड व्हाई पीपल दे वर अपोजिंग, व्हाई पीपल दे वर अपोजिंग कॉलोनियल रूल। हाँ जी भूमिका, यस यस बेटा। Ma'am, I want to ask that can you repeat forced recruitment once again? Forced recruitment. Any other doubt? No? Okay. Forced recruitment means, ये एक important point है बच्चे, forced recruitment, यानी कि peasants and farmers को जबरदस्ती soldier बना देना, because at that time ब्रिटिशर्स दे वर फाइटिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना, वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी थे ब्रिटिश गवर्नमेंट, सो दे वॉन्टेड नंबर ऑफ सोल्जर्स टू बी इंक्रीज, और टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सोल्जर्स मैनी इंडियन फार्मर्स एंड पीजेंट्स वर कंपेल्ड टू ज्वाइन आर्मी, उनको सोल्जर बनाया गया,
वो पीजेंट जो थे जो विलेज एरियाज में एग्रीकल्चर का काम करते थे उन लोगों को एज अ सोल्जर जो है वो ब्रिटिश आर्मी में भेजा गया ताकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किसके अगेंस्ट जो है वो लड़ सकें, जर्मनी, ऑस्ट्री, हंगरिया एंड टर्की उनके अगेंस्ट। तो बहुत से इंडियन सोल्जर्स को उस टाइम पीरियड में इंडिया से दूसरी कंट्रीज में भेजा गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन को सपोर्ट करने के लिए। तो इसको कहते हैं फोर्स्ड। फोर्स का मतलब होता है किसी के साथ जबरदस्ती करना। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि फार्मर्स को रिक्रूट किया गया, कंपल्सरी रिक्रूटमेंट कर देना, उनको फोर्स किया गया। और कैसी पॉलिसीज बनाई गई, फॉर एग्जाम्पल विलेज एरिया में एक फैमिली है, उस फैमिली में जो भी मेल मेंबर्स हैं दे शुड ज्वाइन आर्मी, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो देयर लैंड विल बी टेकन। या फिर ऐसा रूल बना दिया गया कि किसी फैमिली में अगर दो ब्रदर हैं उनमें से एक का कंपल्सरी कर दिया ज्वाइन करना। सेम वही पॉइंट है जो नेपोलियन बोनापार्ट आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में पढ़ा था कि उसने भी फोर्स रिक्रूटमेंट की थी, क्योंकि उसका मेन टारगेट भी क्या था, टू एनलार्ज हिज टेरिटरीज, एंड दैट्स व्हाई ही आल्सो वांटेड नंबर ऑफ सोल्जर्स टू बी इंक्रीज्ड। दिस वाज अ फोर्स रिक्रूटमेंट बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट। इज क्लियर भूमिका? थैंक यू। हाँ जी, इसके बाद नेक्स्ट बच्चे हम पढ़ेंगे ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड 1914 टू 1918 व्हेन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज गोइंग ऑन। इन 1915 महात्मा गांधी ही केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका, एंड साउथ अफ्रीका में वो क्या करते थे, साउथ अफ्रीका में बच्चे वो अल्टीमेटली उनका जो मेन प्रोफेशन था वो एक लॉयर थे, है ना। तो प्रैक्टिस के लिए गए थे, तो लॉ करने के लिए वो लंदन गए और प्रैक्टिस करने के लिए वो कहाँ पे गए, साउथ अफ्रीका। देयर ही सॉ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज एंड इन दैट कंट्री ही आल्सो फॉलो ही आल्सो एक्सपीरियंस द सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, इन साउथ अफ्रीका रेशियल सेग्रीगेशन अपार्टहाइड पॉलिसी वॉज फॉलोड बाय वाइट अमेरिका सॉरी वाइट यूरोपियन गवर्नमेंट, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक ऐसी कंट्री थी जिस कंट्री में ब्लैक और वाइट कम्युनिटीज रहती थी, लेकिन वाइट की मेजोरिटी होने के कारण दे इम्प्लीमेंटेड द पॉलिसीज ऑफ अपार्टहाइड। एंड मैनी पीपल इन साउथ अफ्रीका दे अपोज द पॉलिसी, इवन महात्मा गांधी ही ऑल्सो अपोज दिस पॉलिसी। क्लियर? एंड देयर ही ऑल्सो एक्सपीरियंस द सेम। आपने एक इंसिडेंट सुना होगा कि महात्मा गांधी जी को ट्रेन जो है उसे निकाल दिया गया था क्योंकि उनके पास चाहे फर्स्ट क्लास एसी की टिकट थी बट ही वॉज नॉट परमिटेड टू ट्रेवल बिकॉज ही बिकॉज ऑफ हिज रेस कलर कॉम्प्लेक्शन एंड द कंट्री टू विच ही बिलोंग। उनको कहा गया कि आप एक गुलाम देश के नागरिक हो, आपका कॉम्प्लेक्शन है तो यू डोंट हैव अ राइट टू सिट इन द फर्स्ट क्लास एसी। ठीक है, तो ये भी इस तरह के बहुत से इंसिडेंट जो है वहां पे उनके साथ हुए और इसलिए उन्होंने वहां पर सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट किया था साउथ अफ्रीका में, जहां पर ब्लैक लोगों को अपने राइट्स के लिए, ठीक है, उन्होंने जो है वो कन्विंस किया कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ो। ठीक है, और सत्याग्रह जो मूवमेंट वहां पर भी उन्होंने स्टार्ट की थी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट। जब वो इंडिया आए, इंडिया में भी उन्होंने सेम जो है एक्सपीरियंस किया। 1915 के बाद वो इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में गए और लोगों के जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी उन प्रॉब्लम्स को सुना और समझा, और इस तरह से महात्मा गांधी जी ने इंडिया में सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो लॉन्च करने का डिसाइड किया। अब आपको पता ना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह एंड वेयर ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट, कहाँ कहाँ पे सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किए गए। ठीक है, सबसे पहले सत्याग्रह। सत्याग्रह जो है वो हिंदी का मीनिंग है, सत्य मीन्स ट्रुथ, आग्रह मीन्स पाथ, द पाथ लीडिंग टू ट्रुथ। यानी कि जब आप कोई भी लड़ाई लड़ते हो, हम कहते हैं ना कि ट्रुथ ऑलवेज ट्रम्प, सच की हमेशा जीत होती है, चाहे उसके लिए आपको टाइम लगे। ठीक है, लेकिन हमेशा ये कहते हैं कि सच कहीं ना कहीं बाहर आ ही जाता है ना। तो उनका भी ये मानना था कि अगर आपका कॉज जो है वो सच्चा है जिसके लिए आप लड़ रहे हो, ठीक है, तो अगर आप उस रास्ते पे अटल रहते हो और एक ना एक दिन आपको जो है वो सफलता जरूर मिलेगी। और इसीलिए उन्होंने कहा विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस। नॉन वायलेंस का मतलब है कि सत्याग्रह का मतलब है एक पावरफुल मेथड जिसमें आप ट्रुथ अपने सच की लड़ाई लड़ते हो। जो भी कॉज है, जिस कॉज के लिए आप लड़ रहे हो, अगर आप उस पर अटल रहोगे तो एक ना एक दिन आपको जो है वो विक्ट्री या सफलता जरूर मिलती है। अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में वो गए और वहां पर जाकर लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना, खुद फेस किया, और उन्होंने उन एरियाज में सत्याग्रह लॉन्च किए नॉन वायलेंस। आपने हमेशा याद रखना है दिस आइडिया इज बेस्ड ऑन ट्रुथ। ये जो आइडिया है, एक तो मेन याद रखना है कि नॉन वायलेंस,
ये नॉन वायलेंट मेथड है, दूसरा क्या है ये बेस्ड ऑन ट्रुथ यानी कि सच के लिए लोगों को आग्रह करता है कि सच की लड़ाई लड़ें, एंड दे सजेस्टेड उन्होंने ये सजेस्ट किया इफ कॉज इज ट्रू आप जिसके लिए लड़ रहे हो वो सच की लड़ाई है देन फिजिकल फोर्स इज नॉट नेसेसरी, ठीक है आपको फिजिकल होने की जरूरत नहीं है, आप किसी को जो भी आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है अपने पीसफुल मेथड के साथ भी आप उसको कन्विंस कर सकते हो, ठीक है तो वी शुड नॉट रिटेलिएट, हमें रिटेलिएट नहीं करना चाहिए, बदला नहीं लेना चाहिए, तो ऐसी उनकी थ्योरीज थी, ठीक है एंड सत्याग्रही कुड विन द बैटल, उन्होंने ये कहा कि जो सत्याग्रही हैं वो जो अपने सच की लड़ाई है वो सिर्फ तभी जीत सकते हैं अगर वो नॉन वायलेंस फॉलो, ठीक है और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने अलग अलग एरिया में सत्याग्रह लॉन्च किया। तो आपने इसको कैसे सीक्वेंस में याद रखोगे, CKA 1916 1917 1918, ठीक है ऐसे याद रखो। सी फॉर चंपारण, चंपारण इन बिहार, बिहार में इंडिगो, जो लोग इंडिगो की कल्टीवेशन करते थे इंडिगो, ठीक है उन लोगों को प्रॉब्लम्स आती थी क्योंकि उनको इंडिगो ग्रो करने के लिए कंपेल किया जा रहा था, ठीक है बिकॉज इंडिगो क्रॉप वॉज वेरी प्रॉफिटेबल फॉर ब्रिटिशर्स क्योंकि यूरोप में इसकी बहुत डिमांड थी, लेकिन इसकी कल्टीवेशन बहुत टफ थी, जो फार्मर थे पीजेंट्स जो थे या कल्टीवेटर जो थे उनको बेस्ट लैंड के ऊपर इंडिगो जो है वो ग्रो करना पड़ता था और इसके लिए उनको अपनी राइस क्रॉप या फूड क्रॉप को सेक्रीफाइस करना पड़ता था, बट प्राइस पेड टू देम फॉर इंडिगो वॉज वेरी लेस, उनको इंडिगो के लिए जो प्राइस मिलता था वो बहुत कम मिलता था एंड लैंड कुड बी बैरन फॉर 3-4 कंसेक्टिव ईयर्स, अगर वो इंडिगो की कल्टिवेशन 3-4 ईयर्स के लिए करते थे तो आने वाले टाइम पीरियड में सॉइल की जो फर्टिलिटी थी वो खत्म हो जाती थी और इस तरह से लैंड जो है वो धीरे धीरे बैरन हो जाती थी। तो इंडियन फार्मर या इंडियन पीजेंट्स या इंडियन कल्टीवेटर्स के लिए ये प्रॉफिटेबल नहीं था, सो दैट्स व्हाई दे अपोज दैट दे विल नॉट ग्रो इंडिगो इन देयर फार्म्स। और ये जो है वो लड़ाई कहाँ पे थी, बिहार इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट जो इनको फोर्स कर रहे थे इंडिगो ग्रो करने के लिए। ये प्लेस कहाँ पे है, चंपारण इन बिहार, इंडिगो प्लांटर मूवमेंट 1916 में उन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया, सत्याग्रह लॉन्च किया इनके अगेंस्ट, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट, ठीक है। इसके बाद खेड़ा, खेड़ा कहाँ पे है, गुजरात, और यहां पर यानी कि 1917 में खेड़ा में लोगों की क्या प्रॉब्लम थी, किनकी प्रॉब्लम थी, पीजेंट, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, पीजेंट सत्याग्रह, इसको पीजेंट सत्याग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि पीजेंट्स एंड फार्मर्स जो थे गुजरात के इनको हाई रेवेन्यू पे करना पड़ता था, टैक्स पे करना पड़ता था और इनकी जो लैंड थी इनसे वापस ले ली जाती थी अगर ये रेवेन्यू टाइम पे नहीं पे करते थे, इनके ऊपर टॉर्चर एक्सप्लॉयटेशन होती थी, तो इसलिए महात्मा गांधी जी ने खेड़ा में पीजेंट सत्याग्रह लॉन्च किया, ठीक है 1917। ए फॉर अहमदाबाद, अहमदाबाद में बहुत से मिल्स थी जिन मिल्स में वर्कर्स थ्रेड और जो क्लोथ है ठीक है वो स्पिन करते थे, कॉटन मिल, और इन मिल्स में जो वर्कर्स थे दे वर नॉट पेड प्रॉपर सैलरीज एंड वेजेस, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह, इसके साथ आप क्या लगाओगे, कॉटन मिल वर्कर सत्याग्रह अहमदाबाद 1918 में लॉन्च किया गया ताकि जो मिल वर्कर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो ब्रिटिश गवर्नमेंट सुने और उनको वेजेस, उनकी कंडीशन हाइजेनिक हो, उनको प्रॉपर जो है वो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए, ठीक है। और इस तरह से ये अलग अलग एरियाज में महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह लॉन्च करने का मोटिव था ताकि अलग अलग एरियाज में जो भी लोगों के ऊपर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है लोग उस एक्सप्लॉयटेशन के लिए अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके लिए फाइट करें, बट विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंस नॉट वायलेंट, ठीक है। और इस तरह से महात्मा गांधी जी ने अलग अलग एरियाज में अलग अलग सत्याग्रह जो है वो लॉन्च किए। एनी डाउट, रेज योर हैंड एनी डाउट रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, व्हाट डू मीन बाय सत्याग्रह,
and which different kinds of satyagraha were launched by Mahatma Gandhi in different areas? Yes, raise your hand, beta. हाँ जी भूमिका यस मैम सत्याग्रह मूवमेंट फिर स्टार्ट कहाँ से हुआ था सत्याग्रह मूवमेंट जो स्टार्ट है मैंने आपको बताया महात्मा गांधी जी का ये आइडिया था उन्होंने इस आइडिया को स्टार्ट किया लेकिन उन्होंने सबसे पहले इसको साउथ अफ्रीका में भी अप्लाई किया था और जब वो यहाँ पर आए तो 1915 में वो यहाँ पे आए और आकर उन्होंने इंडिया के अलग अलग एरियाज में गए और 1916 में ये चंपारण में स्टार्ट हुआ क्लियर इट इज क्लियर ठीक है भूमिका ओके बेटा अब हम नेक्स्ट करते हैं रॉलेट एक्ट अब ईयर वाइज हम पढ़ रहे हैं 1915 महात्मा गांधी जी केम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 देन सत्याग्रह 1916 1917 1918 ठीक है इसके बाद नेक्स्ट याद रखो 1919 रॉलेट एक्ट व्हाई दिस रॉलेट एक्ट वाज अपोज्ड बाय इंडियंस व्हाई दिस रॉलेट एक्ट वाज अनजस्टिस फॉर इंडियंस व्हाट वर द रूल्स इन दिस एक्ट एंड व्हाई पीपल दे अपोज दिस रॉलेट एक्ट और ईयर कौन सा 1919 महात्मा गांधी जी आल्सो स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट दिस एक्ट आल्सो तो रॉलेट सत्याग्रह भी कहते हैं इन 1919 तो व्हाट वाज रॉन्ग इन दिस एक्ट अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वाज नेम्ड आफ्टर सर जस्टिस रॉलेट उनके नेम के ऊपर पड़ा था ये सर जस्टिस रॉलेट ठीक है इसीलिए इसको क्या बोलते हैं रॉलेट एक्ट सेकंड अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट ब्रिटिश पुलिस वाज गिवन अनलिमिटेड पावर्स कौन कौन सी पावर्स दी थी ये अनलिमिटेड पावर्स का मतलब होता है कि ब्रिटिश पुलिस के पास क्या क्या पावर्स थी वो क्या कर सकती ठीक है Anybody can be arrested for 2 years. किसी को भी 2 साल के लिए अरेस्ट किया जा सकता 2 years. 2 years के लिए आप लिखोगे टू अरेस्टेड फॉर 2 years without any trial. Or trial means court case. इस एक्ट के अकॉर्डिंग पुलिस कैन अरेस्ट पुलिस कुड अरेस्ट एनी पर्सन फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल और कोर्ट केस ठीक है और रीजन क्यों क्योंकि उस टाइम पीरियड में लोग सत्याग्रह में बहुत पार्टिसिपेट कर रहे थे तो ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सत्याग्रह इसकी एक्टिविटीज को कर्व करने के लिए इनकी एक्टिविटीज को चेक करने के लिए या इनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने एक एक्ट बनाया ताकि लोग जो है वो मूवमेंट्स में या सत्याग्रह मूवमेंट्स में पार्टिसिपेट ना कर ठीक है देन डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स स्पेशली ये जो एक्ट था वो किनके लिए था जो पॉलिटिकल लीडर्स थे जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको डिटेन कर देना यानी कि किसी भी तरह से उनके ऊपर गलत एलिगेशन लगाकर उनको अरेस्ट कर लेना बिना किसी कॉज के और उनको डिटेन कर देना डिटेन का मतलब होता है पनिशमेंट देना 2 years के लिए स्पेशली दिस वॉज फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर्स ये पॉलिटिकल जो लीडर्स थे उनको उनके लिए किया गया ठीक है ताकि उन लोगों को सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने पे या महात्मा गांधी जी के मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने से रोका जा सके और इसीलिए ये जो रॉलेट एक्ट था लोगों ने इसको रिवोल्ट किया क्योंकि लोगों को ये डर था कि पुलिस के पास अब अनलिमिटेड पावर्स हैं पुलिस किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी कॉज ठीक है और इसीलिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया
6th अप्रैल 1919 को हड़ताल डिक्लेयर की। हड़ताल का मतलब क्या होता है? नेशनल लेवल के ऊपर एक मूवमेंट, काइंड ऑफ मूवमेंट, जिसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं बैनर्स लेकर, है ना, बैनर्स लेते हैं टू अपोज रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए रैलीज निकाली, रैलीज। रैली का मतलब क्या होता है? लोग जो हैं वो ग्रुप जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग लोग, और रैलीज निकालते हैं। हड़ताल जो है वो की 6th अप्रैल 1919, ये शो करने के लिए दैट वी आर अपोजिंग दिस रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट को अपोज करने के लिए महात्मा गांधी जी ने क्या किया, 6th अप्रैल 1919 को एक रैली या हड़ताल जो है वो डिक्लेयर की, ताकि ब्रिटिश जो है वो इस रॉलेट एक्ट को वापस ले लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनके पास ऑलरेडी रॉलेट एक्ट था। दे अरेस्टेड मैनी लीडर्स इन दिल्ली। दिल्ली जो था वो इंडिया का सेंटर था, पंजाब की बात करें तो अमृतसर वॉज द मेन सेंटर एट दैट टाइम। सो ब्रिटिशर्स दे अरेस्टेड मैनी लीडर्स इन दिल्ली एंड अमृतसर। अमृतसर और दिल्ली में बहुत से लीडर्स को अरेस्ट किया गया, ठीक है। एंड फाइनली ऑन 10th अप्रैल पुलिस और ब्रिटिशर्स दे इम्पोज मार्शल लॉ लगा दिया कंट्री में। इसका मतलब है कि 4 से ज्यादा मेंबर्स आपस में इकट्ठे होकर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अगेंस्ट या कोई भी पॉलिसी को डिस्कस नहीं करेंगे। ग्रुप इन्वॉल्वमेंट बंद कर दी। ऑलरेडी रॉलेट एक्ट जो था वो इम्प्लीमेंट किया, और दूसरा मार्शल लॉ लगाकर लोगों की मूवमेंट्स या जो लोग रैलीज निकाल रहे थे, ठीक है, उनकी हड़ताल को कंट्रोल करने के लिए मार्शल लॉ लगा देना, मतलब काइंड ऑफ कर्फ्यू लगा देना, ताकि लोग अपने घरों से बाहर निकलकर रैलीज में पार्टिसिपेट ना कर, ठीक है। और जनरल डायर को अमृतसर की कमांड जो है वो दे दी, ठीक है। और जनरल डायर ने क्या किया, पूरी अमृतसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर के ऊपर थी, जो भी मूवमेंट थी या जो भी रैलीज थी उनको कंट्रोल करने की, ठीक है। एंड इवन दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स डॉक्टर सैफ्युद्दीन एंड डॉक्टर किचलू, ये उस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, ठीक है, जो रॉलेट एक्ट को अपोज कर रहे थे, डॉक्टर सैफ्युद्दीन एंड डॉक्टर किचलू, दे वर अरेस्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। उनको भी अरेस्ट कर लिया। और महात्मा गांधी जी जो थे उनकी भी एंट्री जो है वो इन मूवमेंट्स में या इन रैलीज में बैन कर दी। उनको वॉर्न किया गया कि अगर वो हड़ताल या रैलीज में पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको अरेस्ट कर लिया जाए, क्लियर। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ जैसे दो वेपन्स लगाकर इंडिया की जो मूवमेंट है, इंडिया के जो सत्याग्रही या उस टाइम पीरियड में जो रैलीज थी उनको अपोज करने के लिए या उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो दो वेपन्स रॉलेट एक्ट एंड मार्शल लॉ लगाकर कंट्रोल की। फिर आया इंसिडेंट जलियांवाला बाग, 13th अप्रैल 1919, द डे ऑफ वैशाखी, व्हेन मैनी पीपल दे एंटर्ड इन द जलियांवाला बाग, ठीक है। वो गोल्डन टेंपल में जो है वैशाखी सेलिब्रेट करके वहां पर माथा टेक कर वो जलियांवाला बाग आए, और उनका मेन मोटिव का क्या था, टू डिस्कस अबाउट द रॉन्ग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिशर्स। बट यू नो दे वर नॉट अवेयर अबाउट मार्शल लॉ, क्योंकि उस टाइम पीरियड में मीडिया, सोशल मीडिया या ऐसे टेलीविजन में न्यूज इतनी जल्दी स्प्रेड नहीं होती थी, लोगों को मार्शल लॉ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है। उनको ये नहीं पता था मार्शल, उनको रॉलेट एक्ट तो पता था लेकिन उनको मार्शल लॉ के, क्योंकि 10th अप्रैल को मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हुआ और 13th अप्रैल को ये लोग जलियांवाला बाग इकट्ठे हुए, तो दे वर नॉट अवेयर अबाउट दिस लॉ, ठीक है। और जनरल डायर ही टुक एडवांटेज ऑफ दिस कंडीशन एंड व्हाट ही डिड, उसने जलियांवाला बाग का सिर्फ एक ही जो गेट था, ठीक है, उसको क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया, ताकि जो भी लोग अंदर गए हैं वो बाहर ना आ सके। एंड मैनी इनोसेंट पीपल, ठीक है, दे वर किल्ड, उसने ऑर्डर किया शूट करने का, और बहुत से लोग जो थे वो गोलियों से बचने के लिए दे डाइव इनटू द वेल। और बाद में कहा जाता है कि जो वेल था उसका कलर जो है वो प्रॉपर रेड हो गया था, बिकॉज सो मैनी डेड बॉडीज वर देयर। एंड आपको पता है उसी
जो है वेल के ऊपर जो है वो मॉन्यूमेंट बनाया गया है उन लोगों को जो उन्होंने सेक्रीफाइस दिया था, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए। और आज भी अमृतसर में जाकर आप जलियांवाला बाग मॉन्यूमेंट जो है वहां पर एक म्यूजियम है, वहां पर आप आज भी उस टाइम की पेंटिंग्स को देख सकते हो जिस पेंटिंग में उस टाइम पीरियड के इंसिडेंट या जो भी हुआ था उसको प्रॉपर पेंट किया गया। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग मसैकर भी कहते हैं। मसैकर क्यों कहते हैं बच्चे? बिकॉज एट दैट टाइम लार्ज पीपल वर किल्ड ऑन लार्ज स्केल। ठीक है, और इस इंसिडेंट का महात्मा गांधी जी और बहुत से इंपॉर्टेंट लीडर्स के ऊपर इसका डीप इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, और बाद में बहुत से जो है लीडर्स, कांग्रेस लीडर्स और अलग अलग जो है वो लोगों ने इसको अपोज करने के लिए, गवर्नमेंट को अपोज करने के लिए अलग अलग तरह से कॉन्ट्रीब्यूट किया। ठीक है, एंड इमिडिएटली महात्मा गांधी जी ने रॉलर सत्याग्रह को वापस ले लिया, रॉलर सत्याग्रह जो लॉन्च किया था उसको वापस ले लिया। नाउ दे वॉन्टेड वन मोर मूवमेंट टू स्टार्ट ऑन द नेशनल लेवल, एक ब्रॉड मूवमेंट चाहते थे ताकि हर तरह से लोग जो है वो पार्टिसिपेट करें और ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज को अपोज किया जाए। एनी डाउट? एनी डाउट बेटा? नो? थैंक यू।